हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्योर यूनिट प्रिडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इंग्लिश T20 ब्लास्ट चालू हो चुका है, नॉट वर्सेस वॉस का मैं प्रिडिक्शन देने वाला हूँ। फाइनली प्रिडिक्शन है ये, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं बता नहीं पाऊंगा। जैसा कि मेंशन करें ने दोस्तों, अब बाहर हो चुके हैं T20 लीग से, तो वहीं पर बात करें दोस्तों, फिंगर इंजरी से अब बाहर हो चुके हैं जसप्रीत बुमराह भी पूरे T20 लीग से, और वहीं पर टॉम करन भी बाहर हैं इंजरी से, और स्टुअर्ट ब्रॉड भी अपनी इंजरी से बाहर हो गए दोस्तों। तो स्टोर ब्रॉड को भी टीम में लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले। जैसे आप ओपन करते हो दोस्तों, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। काफ़ी बड़ा बड़ा स्क्वाड बना है यहाँ पर, दो कीपर खेलेंगे, टॉम एम्ब्रोस, टॉम मोरिस, टीम एम्ब्रोस दोनों खेलेंगे, आप दोनों को रख सकते हो टीम में। बैटिंग लाइनअप में रॉस टेलर, क्रिस नास, एलेक्स हेल्स को मत लेना दोस्तों, क्योंकि एलेक्स हेल खेल रहे हैं इंडिया के खिलाफ। रिक्की वॉसलेस जिन्होंने फाइनल जिताया था मैच दोस्तों, वो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, और वहीं पे बिली रूट को रख सकते हो। तो ये चार टॉप के बल्लेबाज हो सकते हैं दोस्तों, तो इन चारों को आप ले सकते हो नॉटिंग सर की तरफ से दोस्तों, जो खेलेंगे चारों के चारों, तो इन चारों को ले सकते हो आप। बैटिंग लाइनअप में आप बात करते हैं दोस्तों वॉस की तरफ से, जो खेलेंगे इयन बेल, जोनाथन ट्राई, डोमिनिक सिबिल और सैम हैन, एडम हाउस, ये पाँचों के पाँचों खेल सकते हैं दोस्तों। लेकिन जिनमें से सबसे ज़्यादा सेफ रहेंगे, इयन बेल डेफिनेटली खेलेंगे, सिबिल खेलेंगे, हैन खेलेंगे, ट्रॉट थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, एडम हाउस को मिल सकता है, क्योंकि यंगर प्लेयर को चांसेस दिया जाता है T20 मैच में, तो उस बेस पे उनको बाहर किया जा सकता है। वहीं पे ईडी पॉलक को भी खिलाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा रिस्की है। अब बात करें ऑलराउंडर में, समित पटेल, डेनियल क्रिस्टन, स्टीवन मुलने, तो ये तीनों के तीनों खेलने हैं चांसेस। दोनों तीनों टॉप के परफॉर्मर हैं नॉटिंग सर के लिए, तीनों हमेशा खेलते हैं, टीम के कैप्टन है डेनियल क्रिस्टन, तो डेफिनेटली खेलेंगे। ये तीन प्लेयर हो गए। वहीं पे पॉल कफलिन को अभी स्टार्टिंग के मैचेस में चांसेस नहीं मिल सकते। क्रिस वॉक्स, विल रूड, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, ये तीन ऑलराउंडर खेल सकते हैं दोस्तों T20 मैच में वॉस की तरफ से। लेकिन थोड़ा विल रॉड थोड़ा रिस्की हो सकते हैं। जॉर्ज, क्रिस वॉक्स और कॉलिन डी ग्रैंडहोम डेफिनेटली खेलेंगे, आप इन दोनों को टीम में ले सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों अदर प्लेयर की बॉलिंग लाइनअप में। बॉलिंग लाइनअप काफ़ी मुश्किल होगा, जैसे कि मैंने बता दिया स्टुअर्ट ब्रॉड अब इंजर्ड है, तो टेस्ट से पहले वो चाहेंगे नहीं और उनकी इंजरी बढ़ जाए, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज चालू होने वाला है, तो उससे पहले वो अपने आप को सेफ रखेंगे। हैरी गनी, जेक बॉल थोड़ा रिस्की हो सकते हैं दोस्तों अभी स्टार्टिंग के मैचेस में। लुक फ्लेक्चर, मैथ्यू कार्टर नॉटिंग सर की तरफ से दोस्तों, आयस सोडी, ये चार गेंदबाज हो सकते हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा चांसेस है सोडी और गर्नी और फ्लेक्चर के खेलने में। मैथ्यू कार्टर को यूज़ किया जा सकता है, या तो जेक बॉल खेल सकते हैं, लेकिन जेक बॉल थोड़ा रिस्की है, उनको आप बाहर रख सकते हो, क्योंकि इंडिया टूर में उनको शामिल किया गया है टीम में, तो वहाँ पर आप दोस्तों ले सकते हो। जितन पटेल, ओलिवर डोमिनुल, ओलियोस्टेन, केत बर्कर, और यहाँ से दोस्तों रैन सीडल साइड बॉटम की अगर बात करें दोस्तों, तो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ODI में इन्होंने कोई मैचेस नहीं खेला था, लेकिन अब T20 मैच है, शॉर्ट फॉर्मेट है, तो मे भी खेल सकते हैं। जितन पटेल डेफिनेटली खेलेंगे, और यहाँ से केत बर्कर खेले, ऑलिस्टोन खेलेंगे, तो इन तीन चार प्लेयर को ले सकते हो दोस्तों, जो आपके लिए डेफिनेटली खेलने वाले हैं। तो बॉडी रैंकिंग के भी चांसेस ज़्यादा है खेलने के, क्योंकि अभी आयरलैंड के खिलाफ देखा था हमने, वो खेल रहे थे मैच में, तो इन प्लेयर्स को लेके आप खेल सकते हो। लेकिन बॉलिंग लाइनअप पे आप ज़्यादा मत जाइए दोस्तों, यहाँ पर आप तीन से चार बॉलर रखिएगा टीम में जो सेफ है, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्क्वाड है, आप देख सकते हो बॉलिंग लाइनअप का, इतना बड़ा स्क्वाड है, आपको मुश्किल हो जाएगी दोस्तों चार से पाँच गेंदबाजी चुनना, तो उसमें से हैरी गर्नी, लुक फ्लेक्चर को ले सकते हो आप, और चाहिए तो सोडी को रख सकते हो टीम में, जितन पटेल। और फास्ट और तेज गेंदबाज की बात की जाए तो दोस्तों बॉडी रैंकिंग काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकती है, ये पांच गेंदबाज पे आप दाव खेल सकते हो मैच में, ये भी थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, लेकिन इनमें से इनके हाई चांसेस ज़्यादा खेलने के, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। वहीं पर आप बात करें दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो ओपनिंग मैच है, प्रिडिक्शन काफ़ी मुश्किल है, और बड़ी टीम है, सॉरी बड़ी बड़ी स्क्वाड है, तो मुश्किल है। यहाँ पे आप इन तीनों को कैप्टन रख सकते हो, स्टीवन मुलने, समित पटेल को आप डेफिनेटली रख सकते हो, और यहाँ से दोस्तों अगर क्रिस वॉक्स को रख सकते हो, और बैटिंग लाइनअप में दोस्तों आप यहाँ से ले सकते हो रॉस टेलर को, क्योंकि ज़बरदस्त खिलाड़ी है, रिकी वॉसलेस, और यहाँ से आप रख सकते हो सैम हॉन वॉस की तरफ से दोस्तों, और इयन बेल इतने ख़ास प्लेयर नहीं है आजकल, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी गिरा है, तो डोमिनिक सिल्वे को रख सकते हो आप, कीपर में कोई इतने ख़ास प्लेयर नहीं है, तो आपकी फर्स्ट चॉइस की जाए समित पटेल, क्रिस वॉक्स हो सकते हैं, स्टीवन मुन्नी, आयस सोडी, टेलर हैन, सिबले, ये कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों। और जैसे कि मैंने बताया काफ़ी रिस्की है थोड़ा प्रेडिक्शन करना स्टार्टिंग में अच्छे से, और काफ़ी बड़े बड़े स्क्वाड है, तो यहाँ पे मैं दो प्रीव्यू दिखाऊंगा आपको, सेम टीम क्रिएट नहीं करना है, मेरी दोनों टीम को कंपेयर करके एक टीम क्रिएट करना है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉम मुरिस को ले सकते हो, नास को ले सकते हो, रिक्की वैसले, सीएन बेल, सिबले, जीतन पटेल, मुन्ने, क्रिस वॉक्स, लूक वर्ड, हरी गर्नी, जीतन पटेल, ये 11-11 प्लेयर के खेलने चांसेस है दोस्तों। ये नहीं बोलूँगा डेफिनेटली खेलेंगे, अगर आपको चाहिए तो इन प्लेयर को भी आप टीम में ला सकते हो। पॉल कॉफ्लिन थोड़ा रिस्की है, मैं ग्रैंड लीग में इनको कैप्टन रख सकता हूँ मैं। क्रिस्टन खेलेंगे, नास खेलेंगे, रिक्की वॉसले, विली रूट, टीम एम्ब्रोस, एडम हाउस, एडी पॉलक भी थोड़ा रिस्की स्मॉल लीग के लिए। केत बर्कर, जेक बॉल को भी आप बाहर रख सकते हो दोस्तों टीम में से, रिस्की है पूरी तरह से। आए सोडी को ला सकते हो। तो ये आपके प्लेयर हो गए दोस्तों जिनको मैंने क्रॉस किया है, वो थोड़ा रिस्की है, उनको मत लेना स्मॉल लीग में। इवन ग्रैंड लीग में भी थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन आप ग्रैंड लीग में रिस्क लेना चाहो तो पॉल कॉफ्लिन के साथ ले सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ये प्लेयर्स हो गए जिनको मैंने बता दिया। जिन लोगों ने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले दोस्तों। जैसे भी इस दोनों टीम में से कोई चेंजेस आएगा मैं डेफिनेटली मेरे टाइटल में डाल दूंगा वो, कि ये प्लेयर बैठ गया, आपको वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, जिससे आपको अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब किया नोटिफिकेशन पुश होगा, उस नोटिफिकेशन द्वारा आप मेरे सिर्फ टाइटल में देख के या डिस्क्रिप्शन में देख के समझ जाओगे, क्योंकि सेम मैच का मैं प्रेडिक्शन दो बार नहीं करूंगा एक दिन में। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।